की बिग ब्रेकिंग दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मामले से आती हुई दिखाई दे रही है। आज जो उनकी यहां पर गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें धर दबोचा गया था एयरपोर्ट से। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई दिखी है। आपको बता दें, मंगलवार को खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक थी और इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता वरुण भसीन जुड़ चुके हैं। आपको थोड़ा मामला बता देते हैं। हमने देखा था कि कल उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वो यहां पर छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन उनको डीप्लेन किया गया, उन्हें प्लेन से उतारा गया और वहीं पर उनकी गिरफ्तारी असम पुलिस की तरफ से हुई है। तो क्या बड़ी अपडेट निकल कर आई है, क्या बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मामले पर हुआ है, ये सीधे जान लेते हैं। इस पूरी स्टोरी को कवर कर रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण भसीन। वरुण, अभी क्या डेवलपमेंट है इस स्टोरी में, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, अगर अभी सबसे पहले आपको जानकारी दें तो पवन खेड़ा को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा आज सुबह चालू होता है जब रायपुर की यात्रा करने के लिए यहाँ पर पवन खेड़ा निकलते हैं और उनको इस वक्त दिल्ली पुलिस और असम पुलिस आकर वहाँ पर उस प्लेन से डिप्लेन कर देती है, यानी कि वहाँ पर उनको यात्रा नहीं करने दी जाती है। और वहीं पर उसी समय से वो लगातार जो धरना प्रदर्शन है उसी टारमैक पे शुरू हो जाता है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस सबसे पहले उनको अपने हिरासत में लेती है। क्योंकि उनके नाम पर उनका एक बयान था जो कि प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने दिया था, और उसको चलते हुए लखनऊ, वाराणसी और असम तीन जगह ऐसी जगह है जहां पर ये एक इस वक्त FIR दर्ज होती है। और उसके बाद सबसे पहले असम पुलिस यहां पर पहुंचती है, दिल्ली पुलिस से मदद मांगती है कि यहां पर पवन खेड़ा है जिनको लेकर FIR दर्ज है और वो गिरफ्तारी चाहते हैं। तो दिल्ली पुलिस उस वक्त वो उनको प्लेन पर नहीं जाने देनी चाहते, यानी कि वो रायपुर की यात्रा जो करना चाहते थे पवन खेड़ा वो नहीं कर पाते हैं। और जब उन्हें मना किया जाता है तो उनके साथ सभी कांग्रेस के जो लोग यात्रा कर रहे थे वो उसी जगह पर रुक जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि यानी कि वो जो इंडिगो का प्लेन यात्रा रायपुर जाने वाला था उसमें जो बाकी यात्री होते हैं उनको परेशानी होती है, तो इंडिगो की तरफ से दूसरा प्लेन उनको कराया जाता है, तो वो 6E204 यात्रा नहीं कर पाता है, यानी कि यात्रियों को परेशानी होती है। और वो पॉलिटिकल ड्रामा उस वक्त उसी टारमैक पे टर्मिनल 1 पे दिल्ली के चलता रहता है। और उसके बाद सीधा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ पहुंचते हैं। यहां पर बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब 3 बजे सुनवाई होगी। सीधा बनु सिंह भी आते हैं यहां पर कांग्रेस की तरफ से। जब पूरे मामले को CJI सुनते हैं तो सबसे पहले जो चीज आज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई वो ये की गई कि वाराणसी, लखनऊ और असम में जितनी भी FIR है उनको क्लब कर दिया जाए और उनको एक साथ किया जाए। इसी को लेकर अब असम पुलिस को और बाकी जो जहां दोनों जगहों पर FIR है वहां पर नोटिस भेज दिया गया है, जिससे कि वो अब अपने आगे की कार्यवाही कर पाए। और अब अगली जो इस वक्त है मंडे तक उनको इस वक्त एक राहत है वो मिल चुकी है, लेकिन अब ट्यूजडे को जब वापस आएंगे यानी कि मंगलवार को होगा तो वो जो नोटिस इस वक्त जारी हुए हैं जहां जहां FIR है वो वहां पर कहां मामला चलाया जाए, अब हाईकोर्ट में इसको आगे बढ़ाया जाएगा कि किस तरह से जो अपमान हुआ, जो धाराएं लगी हैं उसको लेकर अब असम और जहां बाकी यानी कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी में इस वक्त जहां पर वो FIR दर्ज है वो मिलकर एक जगह पर सुनवाई हो उसको सुनिश्चित करेंगे, जिस जो जगह हमें मंगलवार तक पता चल पाएगी। लेकिन ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चलता है। यहां पर दिल्ली पुलिस, असम पुलिस आती है, असम पुलिस दिल्ली पुलिस को बोलती है कि हम यहां पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहते हैं, वो गिरफ्तारी होती है, उनको ले जाया जाता है। अब जो इस समय अगर हम आपको ताजा तस्वीर बताएं तो 3 बजे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई करी, उन्होंने पूरा बताया कि अब आपको यहां पर क्लब करनी होगी और उनको राहत मिलेगी। तो अब यहां पर जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद सबसे पहले मेडिकल किया जाता है, और वो मेडिकल का वही समय है जो इस वक्त अभी यहां पर पवन खेड़ा का पुलिस करवाएगी, क्योंकि उनके हिरासत में आए, और उसके बाद उन्हें निचली अदालत में जाएंगे। और जहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि निचली अदालत अभी उनको इस वक्त वो बेल दे दे, यानी कि इस वक्त वो अंतरिम जो जमानत है उस पर वो बाहर रहेंगे, और अब तक सोमवार तक उनको ये राहत जारी रहेगी, और आगे की जो इस वक्त घोषणा है वो अब हाई कोर्ट में इस वक्त मंगलवार को शुरू होगी। चलिए वरुण, कोर्ट भी इस पर मंगलवार को आगे बढ़ाएगा। जी वरुण, शुक्रिया आपका वो पूरी अपडेट दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो ये पूरा समअप वरुण ने आपके लिए कर दिया है, बता दिया है कि अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड इसमें जो डेवलपमेंट होगी हम आगे भी जी बिजनेस के दर्शकों के सामने रखेंगे।